जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जानदार शानदार जिंदाबाद है कि संसार एक बगीचा है, वहां हर रोज नए फूल खिलते हैं और ये इंदौर पिचिकल एकेडमी है जनाब, यहाँ चार पांच बोझी रोज बनते हैं। तो बाबू अपनी पूरी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर अपने संस्थान ब्रांड फौजी फैक्ट्री आए हैं दोस्तों, है ना। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों भाई नीरज धाकर से दोस्तों परिचय करवाएंगे, क्या फील हो रहा है इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर, कैसा लग रहा है। सेकंड बात, जब इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर अपने दहलीज पर गए थे और जब माता पिता को सर का ताज पहनाया था तो माता पिता को कितना गर्व हुआ था कि लाखों के बीच में एक शेर पहना जाता है, उसे कहा जाता है फौजी। तो फौजी भाई मैं परिचय करवाऊंगा सबसे पहले फौजी भाई से। फौजी भाई जय हिंद साथियों। जय हिंद। मेरा नाम नीरज धाकड़ है, मैं एमपी के शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव से रहने वाला हूं। जब मैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और मेरे गुरुजी माता पिता, मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर मैं इंदौर फिजिकल एकेडमी नहीं आता तो आज ही मेरे शरीर पर ये वर्दी नहीं होती। जब मैं वर्दी पहनकर ट्रेनिंग से आया था तो मैंने सबसे पहले माता पिता से मिला था, ये टोपी मैंने, ये मेरी कैप ब्लू वेलेट मैंने पापा जी की बनाई तो उनकी आंखें नम हो गई थी। अरे वाह, प्राउड ऑफ यू। वो मंजर देखो, जब आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर सर का ताज अपने माँ बाप को पहनाओगे तो कितना प्राउड फील होगा। और माता पिता भी यही सोचते कि यार ऐसी औलाद सबको दे, कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मंजर देखो दोस्त, जिसके लिए आप कड़ती धूप में मेहनत करते हो, कीचड़ में भागते हो, छाले पड़ जाते हैं पैरों में, और वो मंजर देखो जब रिजल्ट आता फौजी बन जाते हैं। और इसीलिए दोस्त कहते हैं कि फौजी देश की धड़कन है। इसीलिए दोस्तों मुझे गर्व है मेरी भारतीय सेना पर कि आज हम सुरक्षा का, आज हम सुव्यवस्थित हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, और आज हमारे लिए फौजी भाई सरहद पर खड़े तैनात है और सेवा दे रहे हैं। दोस्त फौजी भाई साथियों, आप ऐसी तैयारी करो, आपकी तैयारी करते समय कितनी भी आपको परेशानियां आए, अड़चन आए, कोई भी आपको डिमोटिवेट करे, आप उनको चीरते हुए आगे बढ़िए। कभी भी आपने जीवन में डिमोटिवेट नहीं होना है, जो डिमोटिवेट पल आते हैं उनको चीरते हुए आगे बढ़िए। और अपना जो टारगेट आपने सेट करके रखा है, तुमको फौज ज्वाइन करना है, तो बस उसी को सोच के चलिए। आपको बस ये सोच के चलना है कि एक दिन मेरे तन पर वृद्धि होगी, जरूर होगी। कहते हैं दोस्त कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, और बंदा और बंदी हारते हुए जो मेहनत नहीं करते, हमने मेहनत की और फौजी बने दोस्त। तो देखो दोस्तों, ये मंजर देखो कि मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, कि मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, और मेरा इकरार तेरी इनकार से अच्छा होगा, और यकीन नहीं है तो जालिम डोली से झांक कर देख लेना, मेरा जराजा तेरी बरात से अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं कि फौजी देश की धड़कन है। जी बेटा, क्या बोलना चाहेंगे आप? साथियों, आप भी अच्छी मेहनत करो, आप इंदौर फिजिकल एकेडमी आइए। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट में आया था, मेरे भाई ने मुझे बुलाया था, मेरे भाई यहाँ पे पता था इनको कि यहाँ पे इंदौर फिजिकल एकेडमी है, यहाँ पे अच्छी तैयारी होती है, उन्होंने वीडियो देखी थी, मुझे दिखाई थी, बोले ऐसी तैयारी होती है यहाँ पे, तो मुझे भी एक मोटिवेट मिला, मेरा भी सपना था फौज ज्वाइन करने का। जब यहाँ पे मैं आया, मैंने पहला ट्रायल दिया, 6 मिनट दिया, मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी, मेहनत करते रहा करते रहा करते रहा। जब कोरोना चल रहा था उसमें वैकेंसी भी नहीं आई थी, मैंने हार नहीं मानी, 2 साल तैयारी की, मुझे पता था वैकेंसी जरूर आएगी, एक बार अपनी तैयारी अपन तगड़ी रखें, एक ही बार में सिलेक्शन हो गया। जब मैं भर्ती मारने गया था तो मैं 2 दिन पहले ट्रायल देके गया था सर के यहाँ पे, तो 4:32 में आखिरी टाइमिंग देके गया था, वहां पर मैंने सुपर एक्सीलेंट सबसे 400 बंदों में सबसे पहले नंबर पे आया था। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि मेहनत ऐसी करो कि मेहनत को भी पसीना आ जाए, और मेहनत ऐसी करिए जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।